कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, हम लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। चुपचाप बैठिए। बिजली कब तक चलेगी, कहां से आएगा पैसा? पैसा कोई गांव में फलता नहीं है। पलटी मार कहते हैं, नीतीश जी के कृपा से ही दो बार जो उप मुख्यमंत्री बना, आज बड़का भारी नेता क्रांतिकारी हो गया। नौमा पास भी नहीं है, नौमा पास का कोई परीक्षा होता नहीं। महोदय है, ये सुनने को तैयार नहीं है कि 14,450 करोड़ रुपया। इसलिए महोदय, एक महिला आई, एक महिला आई महोदय, उसने कहा कि दो बल्ब मेरा जलता है और 2,000 का बिल आया। 7 बजे मैं चला गया उनके यहाँ, वो जो हमको देखी जो भाग खड़ी हुई, और उसके यहाँ जब देखा हमने तो आई भी लौट के नहीं। बिजली का दुरुपयोग भी रोकने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए। दिन में भी लाइन जलता रहता है। आप लोगों को निकल के जाना है। आप पहले से जानते नहीं थे? आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। खैर कह लगे मतलब के बात कर रहे हैं। आप एक मिनट सुन लीजिए, अब एक मिनट सुन लीजिए, जरा अन्य राज्यों का महोदय, बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखे और बिहार के कंज्यूमर को बिल भी देखे। अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे, और नहीं तो अनावश्यक कुछ बोलते रहना है, अनाप शनाप बोलते रहना है। जैसा मैंने कहा महोदय, 3,00,000 करोड़ ड्यूज है, ये फ्री बिजली कब तक चलेगी, कहाँ से आएगा पैसा? पैसा कोई गास में फलता नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं से पब्लिक के पास जाएगा। इसीलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि फ्री बिजली के हम खिलाफ है, किसी चीज में फिर सस्ती बिजली। उन्होंने कहा भी, घोषणा भी किया था कि गरीब गुरबा गांव गरीब सभी को मुफ्त फ्री बिजली नहीं, लेकिन उसके बिल में लिखा हुआ रहेगा कितना। मैंने जैसा कहा लगभग 14,000 करोड़ से अधिक, जी 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। इसलिए महोदय, अब स्वाभाविक है, पार्टी है, अपने अपनी विचारधारा है। आज से 10-15 दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, जो 4,00,000 नौकरी मिली तो उसका श्रेय ले रहे हैं, और बिजली में प्रॉफिट में कंपनी गई तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उसका श्रेय उनको है। संविधान में व्यवस्था है महोदय, टू एड एंड एडवाइज देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
मुख्यमंत्री के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में कोई कोरम नहीं होता है, कोई वोटिंग नहीं होता है। इसलिए आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है तो बिहार में नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूशनल सुविधा है, लेकिन संविधान से क्या मतलब? इन लोगों को क्या मतलब संविधान से? पलटी मार कहते हैं। जरा बताइए, 97 में आए थे, 95 में आए थे, कांग्रेस के खिलाफ ना आए थे? 97 में जब आरजेडी बनी, किसके समर्थन से सरकार बना था? कांग्रेस, जो कांग्रेस इनके बाप को जेल में बंद किया, हम लोगों को भी जेल में बंद किया, उसके साथी कैसे चले गए? वैशाली में कहा था कि मेरी लाश, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरे लाश पर बिहार का बंटवारा होगा। आज जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कैसे कैसे राबड़ी जी की सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मामले में सहमति हो गई? तो बोलते कुछ है, आचरण कुछ है। आज राजनीति की विरासत यह है महोदय, बोली में और कर्म में महान अंतर वाले जो लोग हैं वही अपने को क्रांतिकारी मानते हैं। जो काम करता है परिणाम देता है, उसकी चर्चा लोग नहीं करते। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, हर बहस खौर खाया बकरी खाया चार। तो जो काम नहीं करे वो पूरा पूरा वातावरण परिवार। अब नीतीश जी के कृपा से ही दो बार जो उप मुख्यमंत्री बना, आज बड़का भारी नेता क्रांतिकारी हो गया। नौमा पास भी नहीं है, नौमा पास का कोई परीक्षा होता नहीं, लेकिन इनके कृपा से दो बार उप मुख्यमंत्री बने। बाप की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से जरूर पत्नी बनी, माँ बनी उनको, लेकिन यहाँ क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। तो अद्भुत चीज है, वचन कर्म में महान अंतर। आज देश की राजनीति की विरासत के लिए खतरनाक स्थिति है महोदय। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आचरणहीन नहीं चल सकता है। और महोदय, बिहार का मैं फिर निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार गंगी जमुनी सभ्यता में सबसे अधिक आबादी का घनत्व है। हिमालय की बेसिन में होने से 7 नदियां पेनेलिया रिवर है जो बारहमासा नदी कहलाती है। बर्फ जब पिघलता है गर्मी में, अन्य नदियां सूख जाती है, बिहार की नदियां बर्फ के पिघलने से भर जाती है, हल्की वर्षा होने पर भी बाढ़ आ जाती है। और सबसे अधिक गंगी जमुना सभ्यता होने के कारण स्वच्छ पानी की आसानी से उपलब्धता और हवा उपलब्ध होना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आबादी गंगी जमुनी इलाके में बसी। इसलिए मैं फिर सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार को विशेष दर्जा देने की कृपा करें या विशेष पैकेज की कृपा करें ताकि बिहार का समन्वित विकास और आगे हो। और ज्यादा, अब कितनी गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठे हैं बिहार, रिकॉर्ड है महोदय, सबसे ज्यादा। तो काम नहीं हुआ तो कहाँ से? और महोदय, एक बात मैं और निवेदन पूर्वक कहना चाहूँ, गरीब लोग बिजली बिल पूरे समय पर, निर्धारित समय पर पेमेंट करते हैं, वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं। अगर आप एरिया का देखें, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में घाटे में बिजली नहीं है, वीआईपी इलाके में ही कड़ाई करनी पड़ी है। अब यहाँ जो सिस्टम डेवलप किए हैं, ट्रांसफार्मर में कितना मेगावाट पावर जा रहा है, बिल कितना आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? गंगा में जा रहा है क्या कि धरती में जा रहा है क्या? इसीलिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये कड़ाई की गई है और एटीएनसी लॉस इसीलिए घटा है। अब 5 कंपनियों में बिहार आई है। इसलिए महोदय, अभी लोग तो चले गए, अब इन लोगों से निवेदन करना क्या है? अब कितना भी निवेदन कीजिए तो ये आदत सुधरेगी नहीं। इसलिए अंत में मैं महोदय निवेदन करना चाहूँगा सबसे कि इस बिल को पारित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।